प्यारे बच्चों, आज हम एवोल्यूशन ऑफ स्टेलर सिस्टम, रामतंत्र के विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। स्टेलर सिस्टम, स्टील जो शब्द है वो ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका हिंदी में अर्थ स्तंभ, पिलर होता है। बॉन टिगेम व टॉलियट 1886 में सबसे पहले इसकी परिभाषा थी कि स्टील इज डिफाइन एज सेंट्रल वैस्कुलर सिलेंडर विद और विदाउट पिथ डिलिमिटेड द कॉर्टेक्स बाय एंडोडर्मिस। इस प्रकार स्टीलर सिस्टम हायर प्लांट्स में व टेरिडोफाइट्स में एक पिलर सिस्टम है, अर्थात कंडक्टिंग सिस्टम है, जो वाटर व मिनरल्स की कंडक्टिंग में अपना योगदान देता है। यह स्टीलर सिस्टम लोअर प्लांट्स में एब्सेंट होता है, इस प्रकार एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स में यह नहीं मिलता है। सबसे पहले ये टेरिडोफाइट्स में देखने को मिलता है। इस प्रकार इसका उद्भव या इसका ओरिजिन टेरिडोफाइट्स फर्न से ही शुरू होती है, वह हायर प्लांट्स में तक मिलता है। ये स्टीलर सिस्टम रामतंत्र, जो कि मुख्यतः किसी जड़ अथवा तने का केंद्रीय भाग होता है, जो कि सम्मेनीय ऊतक, जाइलम व फ्लोएम से निर्मित होता है। स्टीलर सिस्टम है जो सम्मेहन तंत्र पादपों में ये बनाता है, ये मुख्य रूप से दो ऊतकों से, जाइलम व फ्लोएम से निर्मित होता है। ये दोनों ऊतक कंपाउंड टिश्यू हैं, जिनसे कि एक स्टीलर सिस्टम का निर्माण होता है। स्टीलर सिस्टम मुख्य रूप से हायर प्लांट्स में, पोटेरिड पार्ट्स में तीन प्रकार के मिलते हैं। प्रोटो स्टील, जिसको ठोस रम बोलते हैं, साइफोनो स्टील नलिय रम, सोलेनो स्टील नाल रम। स्टीलर थ्योरी, रम तंत्र थ्योरी सबसे पहले वॉन टिगेम एंड टॉलियट ने 1886 में थी। इस सिद्धांत के अनुसार स्टील होती है वो प्रत्येक हायर प्लांट्स में यूनिवर्सली उपस्थित होती है। कॉर्टेक्स एंड स्टील आर टू फंडामेंटल पार्ट्स ऑफ ए सूट सिस्टम। किसी प्रो सिस्टम के, प्रो भाग के कॉर्टेक्स और स्टील दो ही फंडामेंटल भाग होते हैं। स्टील एंड कॉर्टेक्स आर सेपरेटेड बाय एंडोडर्मिस। स्टील और कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस द्वारा आपस में पृथक रहते हैं। इस प्रकार किसी स्तंभ अथवा जड़ की हम जब आंतरिक संरचना का अध्ययन करते हैं, तो ये पाते हैं कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस मिलती है, एपिडर्मिस के नीचे कॉर्टेक्स होता है, कॉर्टेक्स की के अंदर की परत एंडोडर्मिस कहलाती है, और एंडोडर्मिस के नीचे पेरिसाइकिल, परिरम परिरम उपस्थित होता है, और पेरिसाइकिल के या पेरिसाइकिल से जो घिरा रहता है वो रम तंत्र होता है, स्टीलर सिस्टम होता है, जो कि मुक्त है, जाइलम व फ्लोएम से मिलकर बना होता है। कंपोनेंट ऑफ स्टील्स, स्टील के अवयवों में अपन देखेंगे, रम के अवयव में जाइलम व फ्लोएम, ये मुख्य रूप से दो इसके कंपोनेंट्स होते हैं। इसके अलावा पेरिसाइकिल, मेडुलरी रिज,
व पित्त, ये भी इसके सहायक कंपोनेंट्स होते हैं। स्टीलस एवोल्यूशन इन ट्राइडिफाइड्स, जो रामतंत्र का विकास है वो सबसे पहले हम पढ़ चुके हैं कि ट्राइडिफाइड्स में ही शुरू होता है और ये मुख्य रूप से प्लांट्स में तीन प्रकार के मिलते हैं, प्रोटो स्टील, साइफोनो स्टील, सोलेनो स्टील। साइफोनो स्टील स्टील विदाउट पिथ, इसका मतलब वह स्टील जिसमें कि पिथ जो कि एक पैरेन्काइमेटस सेल्स से मिलकर बनी होती है वह एब्सेंट होती है। पिथ किसी भी तने की आंतरिक संरचना का सेंटर का पार्ट होता है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल से मिलकर बनी होती है, लेकिन प्रोटो स्टील में ये पिथ होती है ये एब्सेंट होती है। तो इस प्रकार ये प्रोटो स्टील होता है वो विदाउट पिथ के होता है। ये मुक्त है पांच प्रकार का होता है, हैप्लो स्टील, एक्टिनो स्टील, प्लेक्टो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद फ्लोएम भी बोलते हैं, या मिक्स्ड प्रोटो स्टील, मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद पिथ। प्रोटो स्टील है इसका पहला रूप है हैप्लो स्टील, जो कि सबसे आदिम प्रकार का या सबसे कम विकसित प्रकार की स्टील है, जिसको कि ठोस रम तंत्र भी बोलते हैं, रम भी बोलते हैं। इसके सेंटर में जाइलम होती है, ठोस होता है और वो कि फ्लोएम से घिरा होता है जो कि राइनिया में प्रेजेंट होता है। एक्टिनो स्टील, एक्टिनो स्टील में जाइलम है वो स्टार शेप में तारेनुमा आकृति में आ जाता है और जिसके बीच में फ्लोएम धसा रहता है। प्लेक्टो स्टील में जो जाइलम होता है वो प्लेट्स के रूप में पाया जाता है और उनमें प्लेट्स के बीच में फ्लोएम पाया जाता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील विद फ्लोएम, इसमें प्रोटो स्टील में फ्लोएम जाइलम में फ्लोएम के पैचेज पाए जाते हैं, अर्थात जाइलम में फ्लोएम के फ्लोएम टुकड़ोनुमा स्थिति में पाया जाता है। मिक्स्ड प्रोटो स्टील फिथ पिथ, इस प्रकार के स्टील में पिथ लाइक पैरेन्काइमा उपस्थित होता है। साइफोनो स्टील स्टील पिथ पिथ, इसमें नो लीप गैप, इसमें किसी प्रकार का पर्णावकाश नहीं पाया जाता है, स्टील पिथ पिथ, लेकिन इसमें पिथ एप्स प्रेजेंट होती है। प्रोटो स्टील और साइफोनो स्टील में जो मेन डिफरेंस है वो पिथ का है, प्रोटो स्टील में पिथ एब्सेंट होती है, साइफोनो स्टील में पिथ प्रेजेंट होती है। ये मुख्य रूप से दो प्रकार का होता है, एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील और एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। एक्टोफ्लोइक में जाइलम है वो बाहर से फ्लोएम से घिरा रहता है और पिथ प्रेजेंट होती है। एम्फीफ्लोइक में जाइलम दोनों साइड से फ्लोएम से घिरा होता है जो कि मार्सिलिया के राइजोम में पाया जाता है। सोलेनो स्टील जो कि साइफोनो स्टील का ही एक प्रकार है, कुछ साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग इसको साइफोनो स्टील में ही पढ़ा जाता है। एक साइफोनो स्टील जिसमें कि पर्ण अवकाश बन जाते हैं वो सोलेनो स्टील या नालरम कहलाती है। इसमें लीप गैप बन जाने के कारण या पर्ण अवकाश बन जाने के कारण ये स्टील एक सतत रूप में ना होकर, एक सतत बेलन के रूप में ना होकर टुकड़ों में बट जाता है या उसमें गैप आ जाते हैं। ये मुक्त है छह प्रकार का बताया गया है। एक्टोफ्लोइक साइफोनो स्टील, इसमें वही है कि जाइलम होता है वो फ्लोएम से घिरा रहता है, पिथ प्रेजेंट होती है और लीप गैप पाया जाता है। इस प्रकार एम्फीफ्लोइक साइफोनो स्टील। डिक्टियो स्टील, डिक्टियो स्टील है इसमें ज़्यादा अधिक संख्या में पर्ण अवकाश लीप गैप बन जाने के कारण ये टुकड़ों में टूट जाती है और प्रत्येक स्टील है जो मैरी स्टील कहलाती है और एक मैरी स्टील होता है वो ठोस रम होता है। प्रत्येक जो मैरी स्टील होती है वो एक
प्रोटोस्टील ही होती है, अर्थात उसके सेंटर में जाइलम होता है जो कि फ्लोएम द्वारा गिरा लेता है। पॉलीसाइक्लिक स्टील मैनी सर्कल्स बन जाते हैं वैस्कुलर सिस्टम्स के। यू स्टील वैस्कुलर बंडल्स हैं अरेंज इन ए ब्रोकन रिंग डाइकोट सिस्टम में मिलते हैं। एडेक्टो स्टील ये बिखरे हुए वैस्कुलर बंडल्स स्कैटर्ड फॉर्म में मिलते हैं जो कि मोनोकोट सिस्टम में मिलते हैं। ये डायग्राम अपन देख रहे हैं जो कि अच्छी तरह देखेंगे अपन के सेंटर में प्रोटो स्टील है जिसको अपन हैप्लो स्टील भी कह सकते हैं, जिसके सेंटर में जाइलम है जो कि फ्लोएम से गिरा हुआ है और फ्लोएम पेरिसाइकिल से गिरा हुआ है। पेरिसाइकिल एंडोडर्मिस से गिरी हुई है और एंडोडर्मिस कॉर्टेक्स से, और कॉर्टेक्स है वो एपिडर्मिस से गिरा होता है। इस प्रकार अपन देख रहे हैं कि सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे कॉर्टेक्स, फिर एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, उसके अंदर फिर स्टीलर सिस्टम मिलता है। पित्त होती है वो अगर प्रेजेंट है तो वो सेंटर में होती है जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स की बनी होती है। इसके साइड में देखेंगे अपन लेफ्ट में ऊपर एक्टिनोस्टील लिख रहा है जिसमें कि स्टार रेज नुमा जाइलम हो गया है जिसकी में फ्लोएम भरा हुआ है। ऊपर प्लेक्टोस्टील में प्लेट्स नुमा जाइलम है जिसके प्लेट्स के मध्य में फ्लोएम भरा हुआ है। इधर अपन राइट हैंड में देखेंगे एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील, इसमें पित्त देखो प्रेजेंट हो गई तो ये साइफनोस्टील में बदल गया, पित्त प्रेजेंट है। ये दो प्रकार का होता है, एक्टोफ्लोइक साइफनोस्टील और एम्फीफ्लोइक साइफनोस्टील, जिसमें जाइलम दोनों तरफ से गिरा होता है वो एम्फीफ्लोइक होता है, जिसमें एक्टोफ्लोइक जिसमें बाहर से ही जाइलम फ्लोएम से गिरा होता है वो एक्टोफ्लोइक होता है। साइफोनोस्टील ऊपर देख लें, साइफोनोस्टील से ऊपर सोलेनोस्टील का विकास हुआ है जिसमें जो वैस्कुलर रिंग है वो एक सतत ना होकर ब्रोकन हो जाती है लीप गैप बनने के कारण, जिसमें सेंटर में पित्त प्रेजेंट होती है जो कि बाहर से जाइलम से गिरी होती है और जाइलम फ्लोएम से गिरा होता है। इस प्रकार ये जो सोलेनोस्टील है ये भी दो प्रकार की होती है, एक्टोफ्लोइक सोलेनोस्टील और एम्फीफ्लोइक सोलेनोस्टील। इसके कुछ रूप और देखने को मिलते हैं जिसमें देखते हैं ऊपर ये लिख रहा है एडिक्टिव स्टील। एडिक्टिव स्टील में स्टील है वो लीप गैप अधिक बन जाने के कारण टुकड़ों में स्टील टूट जाती है और प्रत्येक टूटी हुई स्टील मेरिस्टील कहलाती है, जिसके सेंटर में अपन देख रहे हैं जाइलम है जो फ्लोएम द्वारा गिरा हुआ है। एडेक्टोस्टील डाइकोट सिस्टम में मिलता है जो कि एडेक्टोस्टील मोनोकोट सिस्टम में मिलता है, जिसमें बिखरे हुए रूप में स्कैटर्ड फॉर्म में वैस्कुलर बंडल पाए जाते हैं। यू स्टील है इसमें एक रिंग के रूप में वैस्कुलर बंडल्स पाए जा रहे हैं, जिसमें अपन देख रहे हैं कि जाइलम है कि जो फ्लोएम द्वारा गिरा हुआ है, लेकिन लीप गैप बन जाने के कारण ये भी टुकड़े बन जाते हैं इसमें वैस्कुलर बंडल्स के, लेकिन ये टुकड़े रिंग रूप में होते हैं, इसलिए इसको अपन यू स्टील कहते हैं जो कि डाइकोट सिस्टम में पाए जाते हैं। इस प्रकार बच्चों टेरिडोफाइट्स में या फर्न में ये स्टीलर सिस्टम का विकास हुआ है सबसे पहले। मैं समझता हूँ आज का ये लेक्चर आपको समझ आया होगा और आपका इसका अपने जीवन में और अपने इस क्लास में सदुपयोग करोगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।